हाय एवरीवन दिस इज़ दीपिका आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में तो आप लोग बहुत दिनों से स्विट्जरलैंड पर डायरेक्ट स्विट्जरलैंड की जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इस कंसेप्ट पर वीडियो डिमांड कर रहे थे आई एम सॉरी कि ये लेट हो गया बट स्टिल फाइनली वी आर हीयर और हम लोग बहुत अच्छे से और सिंपलेस्ट वे पे इसे समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको ये रट्टा भी ना मारना पड़े और कंसेप्ट समझ में आए आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो कंसेप्ट है थोड़ा टफ है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है टफ तो मैं नहीं कहूँगी

फेडरल सिस्टम को ठीक से समझना है ओके तो यही हमारा आज का सेशन का फ्रेमवर्क रहने वाला है कि पहले हम यहाँ के फेडरल सिस्टम को समझेंगे देन हम समझेंगे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जो स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम को डायरेक्ट डेमोक्रेसी बनाता है तो ये सारे हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे गेटिंग इट तो अगर आप पहली बार चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा कि आज का डिस्कशन कैसा लगा और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर इस लेक्चर को शेयर करिएगा इससे क्या होगा मुझे रीच आउट मिलेगी स्टूडेंट्स तक सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज तो uh, स्विट्ज़रलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात करें तो ये स्पेशल फीचर है स्विस पॉलिटिकल सिस्टम का और जो जो आपके इलेक्टोरेट हैं जो वोटर्स हैं उनको अलाउ करता है उनको ये इम्पावर करता है कि वो अपने ओपिनियन को एक तरीके से एक्सप्रेस करें और जो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करें ओके okay? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक फीचर्स है जो सिटीजन्स को अलाउ करता है सिटीजन्स को इम्पावर करता है कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और किस तरीके के अमेंडमेंट्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहे हैं किस तरीके के चेंजेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहे हैं उसमें सिटीजनस का हो तो से होगा तो एक बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है जहाँ पर सिटीजनस डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द पोलिटिकल डिसीजन मेकिंग ऑफ दैट कंट्री ओके अगर हम फेडरल स्विस पार्लियामेंट के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अब uh, स्विट्जरलैंड में एक फेडरल सिस्टम है ओके स्विट्जरलैंड ने इस फेडरल सिस्टम को 1848 में अडॉप्ट किया इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को और इसके बेसिकली थ्री लेवल्स हैं ओके okay, तो जैसे आ, थ्री लेवल्स हैं टॉप पे आपका कन्फेडरेशन हो गया देन कैंटोन्स हो गया देन कम्यून्स हो गया जैसे इंडिया के फेडरल सिस्टम में भी आप देखोगे कि पहले टू लेवल्स थे यूनियन गवर्नमेंट हुआ करती थी देन स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी फिर हमने थर्ड टीयर को यहाँ पर ऐड किया था एज़ अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ को इंक्लूड किया गया था तो ये थ्री ट्रियर स्ट्रक्चर है इंडिया के फेडरल सिस्टम तो कुछ उसी तरीके से आप देखोगे कि जो स्विस पॉलिटिकल सिस्टम है तो वहाँ का जो फेडरल सिस्टम है इसके भी थ्री लेवल्स हैं कन्फेडरेशन कैंटोन्स एंड कैम्यून्स ओके सो जो कन्फेडरेशन है ये रिप्रेजेंट कर किया जा रहा है किसके द्वारा फेडरल काउंसिल के द्वारा कन्फेडरेशन जैसे भारत में क्या होता है इंडिया में क्या होता है यूनियन गवर्नमेंट होती है ना भारत सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम जैसे जिसके नाम से जानते हैं तो इसी तरीके से जो जो फेडरल सिस्टम स्विजरलैंड सुज, का है उसकी कन्फेडरेशन को रूल किया जाता है या एग्जीक्यूटिव ब्रांच बेसिकली कौन होती है फेडरल काउंसिल फेडरल काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है स्विस फेडरल सिस्टम का जिसको हेड किया जाता है फेडरल चांसलर के द्वारा सेम आप इमेजिन करो जैसे कि इंडिया में जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है फेडरल सिस्टम है तो हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर होती है ओके okay? कैबिनेट होता है काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर होती है और काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर को हेड किसके द्वारा किया जाता है पीएम के द्वारा किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गई ना इंडिया में इंडिया के फेडरल सिस्टम में उसी तरीके से फेडरल सिस्टम ऑफ द स्विट्जरलैंड के जो ये थ्री लेवल्स हैं आपका टॉप पे कन्फेडरेशन हो गया जो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी फेडरल काउंसिल अब हम ये देख लेते हैं कि इसका ये जो फेडरल काउंसिल है इसका इलेक्शन कैसे होता है कैसे चूज किए जाते हैं ये मेम्बर्स सिंपली देखो यूनाइटेड फेडरल असेंबली एक तरीके की पार्लियामेंट के रूप से काम करती है स्विट्जरलैंड ंड में ठीक है जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है हमारी संसद है उसी तरीके से यूनाइटेड फेडरल असेंबली स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट है जिसमें दो हाउसेस होते हैं पहला अपर चैंबर दूसरा लोअर चैम्बर जस्ट लाइक इंडिया इंडिया में पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेस हैं लोकसभा एंड राज्यसभा उसी तरीके से स्विट्जरलैंड या स्विस पोलिटिकल सिस्टम में यूनाइटेड फेडरल असेंबली इनकी पार्लियामेंट हो गई इसमें दो चैम्बर होते हैं एक अपर हाउस एक लोअर हाउस अपर हाउस को काउंसिल ऑफ़ स्टेट के नाम से जाना जाता है जो कैंटोन्स को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में भी अपर हाउस क्या है जो आपका राज्यसभा है और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो फेडरल यूनिट्स होती हैं जिन्हें हम इंडिया में स्टेट्स के नाम से जानते हैं राज्य कहते हैं उसी तरीके से स्विस पॉलिटिकल सिस्टम में अपर चैंबर काउंसिल ऑफ़ स्टेट कहलाता है और ये रिप्रेजेंट करता है कैंटोंस को ओके इनकी फेडरल यूनिट्स को जो लोअर हाउस है स्विस पार्लियामेंट का वो है उसे हम जा, उसे जा नेशनल काउंसिल के नाम से जाना जाता है और ये रिप्रेजेंट करती है स्विस पीपल्स को गेटिंग इट जैसे इंडिया में लोकसभा होता है और लोकसभा हमारा जो पॉपुलर हाउस है वो पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसी तरीके से स्विस पार्लियामेंट में नेशनल काउंसिल होती है जो वहाँ के स्विस लोगों को रिप्रेजेंट करती है इसे हम लोअर हाउस कहते हैं तो अभी ये सीनारियो क्लियर है कि स्विट्जरलैंड की पोलिटिकल सिस्टम में वहाँ की पार्लियामेंट क्या है वहाँ के जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल इन नेचर है जहाँ पर दो हाउसेज हैं दोनों हाउसेस के नाम इतना क्लियर हो गया कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब ये फेडरल काउंसिल क्या है भाई जो फेडरल काउंसिल होती है जब जो हमने यहाँ पे देखा ना कि कन्फेडरेशन जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है फेडरल काउंसिल के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो इस फेडरल काउंसिल में सेवन मेंबर्स होते हैं सात सदस्य होते हैं इलेक्टेड बाई द यूनाइटेड फेडरल काउंसिल तो ये फेडरल काउंसिल इस यूनाइटेड फेडरल काउंसिल के द्वारा इलेक्टेड होती है और ये डिसीजन बाई कंसेंसिस लेती है और इसका का जो हेड होता है वो कौन होता है आपका यहाँ पर हमने देखा था फेडरल चांसलर ओके तो ये अब स्वाभाविक सी बात है जो इसमें दबदबा किसका रहेगा जो मेजोरिटी पार्टी होगी क्योंकि भाई यूनाइटेड फेडरल असेंबली जो पार्लियामेंट है वहां पर ज्यादा सदस्य किसके होंगे जो वहाँ की जो मेजोरिटी पार्टी होगी उसी उसका ही यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा तो एक तरीके से अगर हम स्विस गवर्नमेंट कहें तो वो ये द फेडरल काउंसिल होती है गेटिंग इट तो ये सीनारियो क्लियर हो गया आपको यहाँ का पोलिटिकल सिस्टम क्लियर हो गया थोड़ा सा हम थ्री लेवल्स को और डिफाइन करते हैं फॉर दी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग तो देखो थ्री लेवल्स सेम जैसे मैंने इंडिया में बताया सेंट्रल गवर्नमेंट देन स्टेट गवर्नमेंट देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जाम्पल ओके इसी तरीके से ये लेवल हो गए देखो फेडरल सिस्टम में सिंपल क्या होता है पावर से पावर शेयरिंग होती है ना और ये पावर शेयरिंग किसके किसके बीच में होती है जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और इसके बाद जो इसकी फेडरल यूनिट होती हैं ना पावर शेयरिंग तो यहाँ पर भी वही सेम पावर शेयरिंग हो रही है कन्फेडरेशन कैंटोन्स एंड कैम्यून्स के बीच में तो कन्फेडरेशन क्लियर हो गया हमारा हमने पढ़ लिया पहले कैंटोन्स की अगर हम बात करें सो तो कहीं आपको यहाँ पर टोटल नंबर कहीं कहीं ट्वेंटी सिक्स देखने को मिलेगा और ट्वेंटी सिक्स को फर्दर अगर हम और क्लासिफिकेशन करेंगे तो ट्वेंटी फुल कैंटोन्स एंड सिक्स हाफ कैंटोन्स देखने को मिलेगा आप डायरेक्टली ट्वेंटी सिक्स कैंटोन्स भी लिख सकते हो कई जगह आपको ये ट्वेंटी सिक्स भी नंबर देखने को मिलेगा तो ये कन्फ्यूज कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो ट्वेंटी बताया था यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स है तो अगर इसको थोड़ा सा मैंने डिटेल में देखा तो ट्वेंटी सिक्स को फर्दर इन्होंने क्लासिफाई किया ट्वेंटी फुल कैंटोन्स एंड सिक्स हाफ कैंटोन्स बट टोटल हम इन्हें ट्वेंटी सिक्स कैंटोन के नाम से जानते हैं ओके okay? इसके बाद से कमेंस की बात करें तो दे आर क्लोजेस्ट टू द स्विस पीपल एंड अबाउट ट्वेंटी नाइन हंड्रेड हैं टोटल जैसे इंडिया में अब अगर आप देखो तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सबसे क्लोजेस्ट होती हैं पीपल्स के जो लोकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पर हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी है तो ईच कैंटोन एंड कम्यून्स आर द इंडिपेंडेंट है मतलब इनको ऑटो ये दोनों लेवल को अपनी ऑटोनॉमी होती है दे आर फ्री टू तो चूज इट्स ओन गवर्नमेंट गुण एंड इलेक्टोरल सिस्टम और कई बार क्या होते हैं ये लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर कोई लॉ बनाना है लोकल लेवल पर तो ये फर्दर कम्युनिकेट करते हैं कन्फेडरेशन लेवल पर कि भाई हाँ हम आप इस हमारे इस मुद्दे पर आप एक लॉ बना दीजिए ओके तो इस तरीके से अपवर्ड एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन uh, है अपवर्ड uh, आपका uh, इसे हम क्या कहते हैं बॉटम टू टॉप बॉटम टू टॉप ये डेमोक्रेसी का बहुत डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऐसे मूव कर रही है सेंट्रलाइजेशन कब होगा जब ऊपर से नीचे को डायरेक्शन दिया जाएगा तो ये ये सिनेरियो समझ में आ गया अब हम अपने आते मेन थीम पर अब आपको बहुत आसान होगा समझना तो अगर हम ये देखें कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं तो थ्री बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट हैं जो स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी बनाते हैं दे आर द कोर ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी थ्री एलिमेंट्स ओके तो यहाँ पर सिटीजनस बेसिकली इम्पावर किया जाता है सिटीजन्स को पावर दी गई है सिटीजन्स को अलाउ किया जाता है कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें स्विट्जरलैंड की जो पोलिटिकल सिस्टम है उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो इसमें थ्री आपके हैं एक है आपका पॉपुलर इनिशिएटिव ऑप्शनल रेफरेंडम एंड मैंडिडेट्री रेफरेंडम ओके और इस तरीके ये तीनों कोर हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्री इंस्ट्रूमेंट वन बाय वन हम डिटेल में समझते हैं तो पहला है पॉपुलर इनिशिएटिव पॉपुलर इनिशिएटिव इनिशिएटिव टर्म से ही समझ में आ रहा है कि जो पीपल्स हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं कि है भाई भाई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर चेंज लाना है या तो उसमें अमेंडमेंट करके डिलीट करना है या उसमें एडिशन करना है पॉपुलर पॉपुलर सिंपल रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल्स को और इनिशिएटिव का मतलब है कि स्टेप लेना खुद से स्टेप लेना ओके तो ये अलाउ करता है सिटीजन्स को टू प्रपोज ओके ये इम्पोर्टेंट टर्म है टू प्रपोज इन अमेंडमेंट और एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो अगर सिटीजन्स को लग रहा है कि स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस होने चाहिए उनको पर्टिकुलर चेंज नीड लग रही है तो वो खुद डिमांड करेंगे खुद प्रपोज करेंगे ओके okay, और ये जो एक्ट है एक तरीके से इसमें फिर पॉलिटिकल डिबेट होगी इस इशू पे फिर एक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट होगा और इसके लिए इस इनिशिएटिव को मतलब आने के लिए इस इनिशिएटिव को एक्टिव बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं जो आपके वन लैक वोटर्स हैं उनके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं कि वो इस प्रपोज़ल को सपोर्ट करें विद इन द एटीन मंथ्स ये इम्पॉर्टेंट है कि इतने वोटर्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रपोजल को 18 मंथ्स को तो भाई हायर अथॉरिटीज़ को इसे या जो फेडरल काउंसिल है जो गवर्नमेंट है स्विट्ज़रलैंड की उसे इस प्रपोजल को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि एक सिग्निफिकेंट नंबर सिग्निफिकेंट वोटर्स इस प्रपोजल को सपोर्ट कर रहे हैं अगर केस गवर्नमेंट इसके खिलाफ है मान लीजिए गवर्नमेंट इस पॉपुलर इशू के खिलाफ है कि भाई ऐसा 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 चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आना चाहिए तो जो जो आपकी फेडरल काउंसिल है ना जो स्विस गवर्नमेंट है वो एक काउंटर प्रपोजल लेकर आएगी और काउंटर प्रपोजल लाएगी जिसमें कहेगी कि भाई नहीं ये चेंज नहीं चाहिए हमें स्टेटस क्यों मेंटेन करना है तो वो डिपेंड करेगा लोगों पर कि लोग इस पॉपुलर इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं या काउंटर प्रपोजल को सपोर्ट कर रहे हैं भाई जो गवर्नमेंट है जो फेडरल काउंसिल है स्विट्जरलैंड की वो तो चाहेगी ना कि ये काउंटर प्रपोजल को सपोर्ट मिल जाए ताकि हमें ये चेंज ना करना पड़े ओके गेटिंग इट तो सी किस तरीके से जो पीपल्स हैं उनका डायरेक्टली से है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पीपल विल डिसाइड कि क्या होगा तो so ये पॉपुलर इनिशिएटिव का कंसेप्ट समझ में आया आपको ऑप्शनल रेफरेंडम ऑप्शनल रेफरेंडम क्या होता है एक तरीके से ऑप्शनल ये टर्म से ही समझ में आ रहा है ऑप्शनल है रेफरेंडम जो हो, हो रहा है जो डिसीजन यहाँ पे अप्रूवल होगा वो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि रेफरेंडम कैन बी रिक्वेस्टेड सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे और मैनेडेटरी रेफरेंडम पे भाई ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं यहाँ रिक्वेस्ट नहीं यहाँ पे मैनीडेटरी है तो ये किस चीज़ की रेफरेंडम की बात होगी यहाँ पर मान लीजिए कोई फेडरल एक्ट लाया फेडरल काउंसिल कोई एक्ट लेकर आती है कोई अमेंडमेंट करती है या कोई लॉ बनाती है, बनाया जाता है फेडरल काउ असेंबली के द्वारा जो वहाँ की पार्लियामेंट है जो लेजिस्लेचर है ओके यहाँ की ये जो फेडरल असेंबली है ये क्या है लेजिस्लेचर है जैसे इंडिया में पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है और ये आपकी एग्जीक्यूटिव है जैसे इंडिया में सेम ओके तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आ, सिंपल सा बात ये है दोनों में पहले मैं डिफरेंस बता देती हूँ फिर वन बाय वन ऑप्शनल रेफरेंडम हाँ मतलब अगर फेडरल एक्ट या कोई कोई लॉ बनाया जाता है फेडरल फेडरल असेंबली असेंबली के द्वारा तो यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें रेफरेंडम कराया जाए हम इस एक्ट को चाहते हैं कि पॉपुलर वोट से हम डिसाइड करें ओके okay, और मैनीडेटरी रेफरेंडम में वो सारे लॉ या वो चेंजेस जो फेडरल असेंबली के द्वारा बनाए जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैनीडेटरी है कि भाई उसको रेफरेंडम के लिए रखा जाए और पीपल्स को वहाँ पर वोट लिया जाए ऑप्शनल रेफरेंडम में क्या होता है जो सिटीजन्स हैं वो डिमांड कर सकते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर एक्ट या बिल अप्रूव किया गया है फेडरल असेंबली के द्वारा उसको नेशन वाइड वोट के द्वारा रखा जाए अब ये ऑप्शनल रेफरेंडम सक्सेस क्या होगा भाई मान लीजिए 50 जैसे 40 परसेंट जनता चाह रही है कि भाई हाँ होना चाहिए रेफरेंडम एंड जो आपकी सिक्सटी जनता है वो कहेगी नहीं भाई ठीक है नहीं होना चाहिए रेफरेंडम तो ये डिसाइड कैसे होगा तो आपका जो ये ऑप्शनल रेफरेंडम को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चाहिए होगा जो एक्ट है उसके लिए हम नेशनल रेफरेंडम के लिए डिमांड अगर कर रहे हो रिक्वेस्ट कर रहे हो तो पचास हजार फिफ्टी थाउजेंड वैलिड सिग्नेचर चाहिए होंगे जो हंड्रेड डेज में कलेक्ट किए जाएंगे इन द फेवर ऑफ ऑप्शनल रेफरेंडम कि भाई हाँ हम इसको नेशनल रेफरेंडम के के उस पर स्टेटस पे रखा जाए ओके मैंडेटरी रेफरेंडम तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि भाई जो भी एक्ट लाया जाएगा अमेंडमेंट लाए जाएंगे अप्रूव किए जाएंगे वहाँ की असेंबली uh, के फेडरल असेंबली के द्वारा उसको नेशन वाइड पॉपुलर वोट के लिए रखना ही रखना है और यहाँ पे जो वोटर्स होंगे जो इलेक्टोरेट होंगे वो अप्रूव करेंगे इसे ओके okay? तो ठीक है ये 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 हो गया ना आपका ये सारी चीज़ें तो ऑप्शनल रेफरेंडम समझ में आया मैनेडेटरी रेफरेंडम समझ में आया पॉपुलर uh, इनिशिएटिव समझ में आया ये थ्री इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो स्विस uh, पार्लियामेंट के कोर uh, के डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कोर इंस्ट्रूमेंट हैं बाकी ये हो गया तो आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा गाइस और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो इसे फर्दर और एक्सप्लेन करिएगा मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा बहुत इंडिया के इंडिया का भी यहाँ पर आप वो कर सकते हो कम्पेरिटिव वो दे सकते हो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इसमें फीचर्स थोड़े बहुत लिख सकते हो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको वैसा सिंपली एड्रेस करना है इस सेशन में मैंने अपने को एक कॉन्सेंट्रेट किया था कि भाई हम स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही डिस्कस करेंगे तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन जैसा पूछा जाए आपको वैसे ही उसे एड्रेस करना है जिस डायमेंशन से पूछा जाए वो सारी डायमेंशन आपको क्वेश्चन में एड्रेस करनी पड़ेंगी एज सिंपल एज सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे आई होप कि आपने वीडियो और आज का ये लेक्चर एंजॉय किया होगा एंड यस थैंक्स फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा और ये मुझे बताइएगा कि आज का ये डिस्कशन कैसा लगा अपने अपने फ्रेंड uh, सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा चैनल के लिंक की लिंक जिससे कि इस चैनल को ग्रो करने पर हेल्प मिलेगी एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट जो आप मुझे दे रहे हैं And yes, see you in the next video. All the best. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.